ओके सो ही द गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियोस। गाइस आज के वीडियो में लोगों बस का नाम है पोकेमोन फायर रेड रॉकेट एडिशन को। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि लास्ट एपिसोड में हम बन चुके थे बॉस ऑफ टीम रॉकेट और साथ ही साथ हमने चार जिम लीडर्स को भी हराया था। बचे हैं चार, उनको भी हरा ही देते हैं ना, क्या ही टाइम पास करना। तो मैंने शायद एरिका को लास्ट हराया था, तो अब कौन बच रहा है? चौथे के बाद कौन आता था, पाँचवा कौन रहता था? ओके, फूशिया सिटी में जाना है हमें। वैसे शायद हम लोग कोई भी ऑर्डर से खेल सकते हैं, मतलब कोई भी ऑर्डर से जिम लीडर्स को हरा सकते हैं, पर मैं सोच रहा हूँ चलो लाइव से ही हराते हैं, क्या ही जाएगा। और इस बंदे ने ही हमें ट्रेनर कार्ड दिया था जिसकी वजह से हम लोग हरा सकते हैं जिम लीडर्स को। तो चलो अब इसके ही ट्रेनर कार्ड से इसको ही पीटेंगे। तो चलो इसका मुझे रास्ता पता है, मैं बहुत बार आ चुका हूँ फ्यूशिया सिटी, तो इसीलिए अगर तुम ध्यान दोगे ना तो इधर वो वाइट वाइट बना रहता है तो उधर तुम्हें नहीं जाना रहता है। और ये हम लोग आ गए, ये पॉइजन टाइप है ना, पॉइजन टाइप पे साइकिक और ग्राउंड टाइप है अटैक्स काम करेंगे। वैसे मिसिंग में तो मैंने अभी नहीं रखा है, तो इससे ही काम चलाते हैं अब नीडो किंग से। डिड यू कम टू चैलेंज मी टू? हाँ ऑब्वियसली, फॉ हॉ हॉ द वेरी आइडिया मेक्स मी शेवर विथ मिर्थ। वेरी वेल, आई शैल शो यू थ्रू टेरर एज अ निंजा मास्टर। पॉइजन ब्रिंग्स स्टडी डूम, स्लीप रेंडर्स फॉर हेल्पलेस, डिसअपियर टू द क्रीपिंग हॉरर ऑफ पॉइजन टाइप पोकेमोन। आज भाई कितना पॉइजन टाइप की तारीफ कर रहा है। अभी एक अटैक, ओ मुझे नहीं पता था ये अपना पहला पोकेमोन टेंटाक्रूल निकालेगा। ठीक है, इसके लिए मैं रायचू निकाल दिया हूँ जो कि एक अटैक में वन शॉट कर देगा। और वीजिंग आ रहा है, वीजिंग के लिए अब निकाल लो। नहीं पर वीजिंग के पास लेविटेट है ना। ओके तो इससे ही काम चलाते हैं अभी, तो क्योंकि वीजिंग के पास लेविटेट है तो उस पर साइकिक अटैक्स काम करेंगी, ये ग्राउंड टाइम नहीं। गोल बैट आ रहा है भाई, गोल बैट को भी स्पार्क ही देख लेगा। अरे भाई इसके ऐसे पोकेमोन क्यों आ रहे जो रायचू देखे। चलो एक पोकेमोन तो आया, और मैंने क्या नूबड़ापंती की है, मुझे अर्थ क्विक मारना है, अर्थ पावर मतलब। मैंने मौत आ रहा है, इसको भी अर्थ पावर मारेंगे। और ये भी गया नॉइस, लेवल 50 हो गया, नॉइस यार। ओपी स्टील पोकेमोन कौन सा चुराया यार, टेंटाक्रूल वीजिंग गोल बैट। आई थिंक ना मुझे गोल बैट चुरा देते। हाँ यार गोल बैट अच्छा रहेगा क्या? नहीं गोल बैट नहीं चाहिए हमें अपनी टीम में, ज़्यादा अच्छा भी नहीं। वो क्या हुआ, हार के कैसा लगा? वाह और टेस्ट ऑफ माय ओन मेडिसिन यू स्नीकी थीफ यू। वेल आई नेवर लाइक दैट गोल बैट मच अवे एनी वे, टू टेल यू द ट्रूथ एनी वे, नाउ दैट यू हैव द सोल बैट द डिफेंस ऑफ द। ठीक है, HMTM भी मिल गया। और इसको बताओ, इसका पोकेमोन चुराया और इसको कोई बुरा ही नहीं लग रहा, मतलब क्या ही बोले। चलो फिलहाल तो पॉइजन कर दिया मेरे पोकेमोन को, गधा कहीं का। चलो हम जाते हैं हील करते हैं। और अभी नेक्स्ट है सबरीना, जिसको भी हरा सकते हैं हम लोग इजीली, साइकिक टाइप है ना। वैसे हमारे पास गोस्ट या डार्क टाइप पोकेमोन नहीं है, पर हमारे पास डार्क टाइप में क्रंच है जो कि काफ़ी अच्छा है, उससे हरा सकते हैं हम लोग। तो नर्स जो है पोकेमोन को जल्दी हील कर दो और मुझे जाना है। वैसे यार पता है, मैं लिटरली मैं सोच रहा था कि मैंने आज वीडियो रिकॉर्ड कर चुका है, इसलिए मैं टाइम पास कर रहा था, कुछ कर ही नहीं रहा था। फिर मुझे याद आया, अरे भाई मैंने तो वीडियो ही नहीं रिकॉर्ड की। फिर मैं तुरंत आ गया वीडियो रिकॉर्ड करने, भाई साहब। ठीक है चलो सैफ्रॉन सिटी वो करते हैं। और मैं पता है पोकेमोन फायर रेड रॉकेट एडिशन इसीलिए ज़्यादा खेल रहा हूँ क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा है, और साथ ही साथ ये सीरीज़ आई थिंक एंड होने वाली है, तो इसीलिए इसको मैं खेल रहा हूँ जिससे ये सीरीज़ एंड हुए। और मैं सोच रहा हूँ नेक्स्ट सीरीज़ हम लोग स्टार्ट करेंगे पोकेमोन कौन सी करें यार, पोकेमोन क्वेट्ज़ल करते हैं। हाँ सोच रहा हूँ उसको ही करते हैं, मैंने डाउनलोड किया है वैसे वो गेम, तो यह सोच रहा हूँ उसे ही करते हैं। अरे यार इसका भूल भुलैया पज़ल, अब मुझे नहीं पता जाना कहाँ है, देखते हैं अंदाज़ा मारेंगे। वो रही साइड में सबरीना, तो उस तक जाएँ कैसे। आई थिंक मैं काफ़ी सही जा रहा हूँ। ओके मैं आई थिंक बहुत सही आ गया। अरे ये तो मैं वापस ही आ गया उधर, एक सेकेंड।
भाई काफ़ी कंफ्यूजन है। अरे यार बैटल आ जाओ यार, मुझे तुमसे बैटल नहीं करनी, और मैंने क्यों इसको बदला नहीं हूँ। अरे यार अर्थक्वेक तो लगा नहीं, त्राश भी काम नहीं किया, मैं क्या गनूबड़ापंती कर रहा हूँ यार। पॉइजन टेल मारना पड़ेगा। ओके नाइस, ये गया। कड़ाबरा आ रहा है, कड़ाबरा के लिए फायर डॉग निकालो भाई। मैंने इसको शुरुआत से ही क्यों नहीं निकाला था। एक एक क्रंच गए सब बंदे, तेरे क्या ही चुराऊं। चल तेरे को छोड़ दिया, मेरे को चुराना है एलेक्जाम, मैं चुराऊंगा सोच रहा हूँ उसका, सबरीना का। तो फिलहाल तो यार मुझे रास्ता ढूंढना है, कहाँ जा रहा हूँ मैं। अरे यार मेरे को ऐसा लग रहा है मैं इधर आ चुका हूँ एक बार। एक सेकंड एक सेकंड, मुझे लग रहा है मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। प्लीज़ सबरीना दीदी कहाँ हो तुम। अरे मैं वापस आ गया भाई। क्या है यार ये पज़ल बहुत बेकार है। इधर से जाऊंगा, नीचे जाऊंगा एंड फिर इसके ऊपर जाऊंगा, और फिर इसके ऊपर जाऊंगा, फिर इसके भी ऊपर जाऊंगा, और फिर इसके नीचे जाऊंगा, और फिर इसके नीचे जाऊंगा। ओ आ गए भाई, ये काफ़ी सही था भाई, मैंने कुछ भी करता गया और हो गया। चलो नाइस, सबरीना जी आ गया मैं। आई हैड अ विजन ऑफ योर अराइवल, आई हैव हैड साइकिक पावर सिंस आई वॉज अ चाइल्ड। इट स्टार्टेड व्हेन अ स्पून आई केयरलेसली टोस्ट बेंड, आई डिसलाइक बैटलिंग बट इफ़ यू विश आई विल शो यू माई पावर्स। वैसे अगर तुमने वो एपिसोड देखा होगा जिसमें ऐश और सबरीना से बैटल कर रहा था, उसमें एक बंदा था शायद सबरीना का चेला वाला था, ऐश ने उसको कितना गंदा वाला रोस्ट किया था पता है। वो बोल रहा है भाई इसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो ऐसे ही वो कर सकता हूँ, चम्मच उल्टा कर सकता हूँ, जो कि है सही। मतलब कि जो चीज़ काम ही ना आए, मतलब कि तुम आसानी से कर सकते हो, वही चीज़ सीखने की क्या ज़रूरत है। भाई साहब ऐश ने तो फुल रोस्ट किया था उसे। और इसका दूसरा पकवान कौन सा, हिपनों की क्रंच की ऐसी की तैसी। और कौन है भाई, अलग एग्जाम ना, एक क्रंच से जाएगा यार। मेरे पकवान आई गेस ज़्यादा ही पावरफुल है, पर कोई ना यार, ये गेम में हमें बैटल्स नहीं देखनी, हमें इसकी स्टोरी देखना है, क्योंकि इस गेम की स्टोरी काफ़ी अमेजिंग है। और इसका मैं एलेक्जाम ही चुराता हूँ, इसका मेन पोकेमोन। अब देखते हैं ये क्या बोलेगी। निकनेम नहीं देना। माय साइकिक सेंस दे न्यू यू वर अप टू नो गुड्स, आई शैल ऑफर यू माय एलेक्जाम एज अ सेक्रीफाइस, द यूनिवर्स विल पे मी बैक समडे विथ वॉयलेंट नेगेटिव वाइब्रेशन सच एज योर्स देयर इज़ ओनली। अरे ठीक है देना टीएम, क्या दिमाग ख़राब करती है। वैसे ये ज़रूरी है क्या, जितने भी साइकिक टाइप जिम लीडर्स होते हैं वो लोग पहले से मतलब साइकिक यूज़ कर सकते हैं, मतलब क्यों ही, तभी वो लोग साइकिक टाइप बनते हैं। और मैं जो ऑर्डर में आया था वही ऑर्डर में मैं जाऊँगा। अगर तुम्हें भी कन्फ्यूजिंग लगे तो ऐसे ही करना, फिलहाल तो मैं सही तो जा रहा हूँ ना, तुम लोग को सिखा के पता लगा मैं ही गलत जा रहा हूँ। आई थिंक मैं सही जा रहा हूँ। अरे भाई एक सेकेंड, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है मैं गड़बड़ कर दिया। भाई मैं इधर आ चुका था ना। अरे भाई ये क्या हो गया। ओ मुझे अब याद आया मैंने कहाँ गलती की। ओके चलो, अरे नहीं आ गया आ गया, चलो कोई ना। अब कहाँ जाना है हमें, ब्लेन से लड़ना है। अब दो जिम बचे हैं और क्या। वैसे मैं सोच रहा हूँ वो विरेडियन सिटी में कौन होगा जिम लीडर, पता नहीं कौन हो सकता है। मैं तो नहीं, पता लगा मैं अपने से ही लड़ने चला गया, क्योंकि मैं बॉस हूँ ना टीम रॉकेट का। हाँ पर और जियोवानी तो चला गया था यार, कौन होगा जिम लीडर। अगर तुमने पोकेमोन हार्ट गोल्ड खेला होगा, वैसे मैंने खेला तो था पर मैंने कांटो रीजन कंप्लीट नहीं किया है, पर मैंने पोकेमोन क्रिस्टल खेला है जो कि जोटो रीजन पे ही बेस्ड है, तो उसके हिसाब से उसमें ब्लू रहता था जिम लीडर। तो क्या ब्लू रहेगा। अरे डोर लॉक्ड, अरे हाँ हमारे पास क्रोबार है ना, मैं क्या ही टेंशन ले रहा हूँ। टीएम नहीं, या नहीं टीएम के इधर ही तो है क्रोबार, यूज़। और एक लात मारो खुल जाएगा, 1 2 3 खोल दो, नाइस। अब चलो अंदर चलते हैं, और
और मुझे ये जिम आई थिंक पता है, इसके लिए पजल्स सॉल्व करने पड़ेंगे जो कि मैं प्रो हूँ क्विज में, पोकेमोन क्विज। चल मेरे को बता क्या है। इफ़ यू वॉन्ट टू कंजर्व योर पोकेमोन फॉर द जिम लीडर्स देन गेट, अरे हाँ, गैस्ली एंड इट्स इवोल्यूशन आर द ओनली नोन गोस्ट पॉइजन पोकेमोन। गैस्ली और कोई और है क्या? कैंटो में तो देखो गैसली है तो, और ये गेम कैंटो पे ही बेस्ड है तो। हाँ ओके नाइस, और भी हो सकते हैं बंदे, पर आई थिंक ये बस पूछ रहा है कैंटो का, क्योंकि ये गेम कैंटो पे है ना, और मैंने अभी तो आंसर दिया भाई। यस, ये फिर क्यों पूछ रहा है? चलो निकलो, नहीं तो अगर मैं ना करता ना तो ये मेरे से बैटल करता, तो अच्छी बात है हमने सही दे दिया। ओके क्विज, हाँ हाँ ठीक है, बोलेगा। जिगलीपफ वॉज ओरिजिनली प्लान्ड एज द ऑफिशियल मैस्कॉट ऑफ पोकेमोन, इसका मुझे पता है। नो आंसर था क्लिफेरी, ये भी मुझे पता था। अरे यार, मैं फिर मेरे को अपने हाथ को कंट्रोल करना पड़ेगा, मैं बार बार क्लिक करे जा रहा हूँ। ठीक है कोई ना। हाँ तो मैं कहाँ था, हाँ क्लिफेरी थी मैस्कॉट होने वाली थी, पर ठीक है उन जिस इधर तो मैंने आंसर सही दे दिया। और इधर क्या है, ओके क्विज, हाँ अरे ज़्यादा पकाओ ना, डायरेक्ट आंसर बताओ ना। जिंक्स इज द ओनली पोकेमोन दैट कैन लर्न लवली किस। लवली किस, ड्रेनिंग किस तो मैंने सुना है, लवली किस मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ, सो आई थिंक यस, मुझे नहीं पता। ओ हाँ सही निकला, नाइस, क्योंकि मैंने ड्रेनिंग किस सुना है, बहुत पोकेमोन्स कर सकते हैं फेरी टाइप मूवी, पर लवली किस मैंने नहीं सुना, सो आई थिंक जिंक्स ही होगी। और देखते हैं, ये वैसे मुझे मज़ा भी आ रहा है करने में। सैफ्रॉन इज़ द मोस्ट पॉपुलस सिटी इन कैंटो, इसका क्या होगा? गैस, अरे यार गलत दे दिया। चलो कोई ना, आ जाओ यार बैटल करने, और मैं क्या नूबड़ापंती कर रहा हूँ, चलो इससे ही हराते हैं भाई। मैं क्या करता हूँ, मुझे आगे दूसरे पोकेमोन को रखना है, मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं चुराना तेरा फालतू सा रैपिडैश। पहले पॉली को रखेंगे हमारे टॉप पे, और फिर चलो एक और पहेली है भाई, कितने पहेली है मुझे नहीं पता था इतने रिडल्स होंगे। म्यूटू इज़ द फर्स्ट पोकेमोन शोन इन द पोकेमोन ओपनिंग थीम, हाँ ये तो सही है, म्यूटू ही दिखा था सबसे पहले। अरे यार मैं फिर क्यों क्लिक कर देता हूँ, मेरे को अपने हाथ क्या करूँ, हाथ ही काट दूँ भाई साहब। चलो हो गया, मुझे याद है मैं जब पोकेमोन फायर रेड खेल रहा था ना, तब भी मैं ऐसी गलती करता था। और यार इसके क्विज तो ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है अब मैं क्या करूँ। सेलेडॉन जिम इज़ द ओनली जिम इज कैंटो विदाउट जिम गाइड प्रेजेंट। ओ हाँ, अगर तुम्हें याद होगा मैंने पिछले एपिसोड में बोला था, उसमें वो बंदा नहीं है जिम गाइड वाला। सो या मुझे एक्चुअली मुझे ये आंसर नहीं पता चलता, पर मैंने पिछले एपिसोड में देख लिया था ना, इसीलिए मुझे पता चल गया। और फाइनली ब्लेन तुम्हारे पास में आ ही गया। गब्बर व्हाट आर यू डूइंग हियर, दे आर किक यू आउट एनी टाइम, आई एम श्योर दे विल। हाँ अ जिम चैलेंज, वेल इफ़ यू रियली वॉन्ट्स टू फाइट मी अगेन रॉकेट आई विल, आई एम बीन वेटिंग ट्रेनिंग सिंस लास्ट टाइम एंड यू नो हाउ इट्स गोस, यू बेटर हैव बर्न हील। ए हमें बर्न हील की ज़रूरत नहीं है, चल तेरी ऐसी तैसी, हमारा सब सर्फ से वन हिट करेंगे। अरे भाई ये क्या हो गया, इसने पॉइजन कर दिया, पॉइजन नहीं कन्फ्यूज़ कर दिया। आर यू सीरियस प्लीज़ भाई, जब बर्न हुआ है ये पॉली तब इसने यूज़ किया अपना अटैक, प्लीज़ बर्न मत हो। नाइन टेल्स आ रहा है, मैं बदल लेता हूँ तब तक पोकेमोन। ग्राउंड टाइप मूव्स भी काम करेंगे, तो अर्थ पावर मारते हैं, यो वी गो, फ्लैरियन आ रहा है, अर्थ पावर से इसको भी मार देंगे, नाइस। और कौन है, आर्कनाइन, तू ही चले जा। ओ भाई कितनी ईजी जिम बैटल है। हाँ मानता हूँ मैं, मेरे पोकेमोन का लेवल ज़्यादा है, पर हाँ कोई ना, स्टील क्या ही करें इसका। फ्लैरियन चुरा लेते हैं, मैंने एक जोल्टियन भी चुराया, वेपोरियन भी और फ्लैरियन भी, नाइस, ट्रियो को मैंने चुरा लिया। बैस्टर्ड आफ्टर ऑल आई डन फॉर टीम रॉकेट, यू गो आउट एंड ड्रॉप माई पोकेमोन, गा आई गेस आई जस्ट गॉट टू सिट स्टिल एंड टेक इट लाइक एवरीथिंग एल्स यू गाइज डू। हाँ
यू बेटर टेक टीएम। हाँ ठीक है, चल मुझे जाने दे। अब बचा है बस आखिरी जिम, और मैं काफ़ी क्यूरियोसिटी है मेरे अंदर कि कौन होगा ब्लू पर, कैसे हो सकता है, क्योंकि ब्लू तो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कौन है जिम लीडर, मुझे जाके ही देखना पड़ेगा। चलो चलते हैं, मुझे देखना है कि कौन है यार जिम लीडर, और इसके लिए भी मेरा पॉली काम आएगा, तो हमें पॉली को ट्रेन करना है, ट्रेन नहीं करना मतलब हील करना है जिससे वो हरा सके। सबसे पहले जाएंगे पोकेमोन सेंटर, उधर हील करके फिर मिलते हैं। नर्स जॉय जल्दी हील कर दो पॉली, मेरे को लगा वो बहुत कुछ कर पाएगा पर उसने कुछ भी नहीं किया यार, पॉली क्या कर रहा है। और मैं मिसिंग नो रखने वाला हूँ क्योंकि आई डोंट थिंक मुझे अब फ्लाई की ज़रूरत पड़ेगी पोकेमोन लीग में, तो मैं मिसिंग नो रख ही लेता हूँ फियोरो की जगह। वैसे भी फियोरो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, बस मैंने उसको फ्लाई के लिए ही रखा था, तो ठीक है। और तू क्या कर रहा है, इधर से लड़की देख रहा है? नहीं, क्योंकि वो सेलेडॉन वाला बंदा लड़की देख रहा था पर ओके। अरे ये बंदे हैं क्या बैटल करने वाले? आराम से जाएंगे, बैटल्स करनी नहीं है। ओके ओ आ भी गया, काफ़ी इजीली आ गया। अरे ये है क्या उसकी पत्नी अरियाना? सो यू टेकन देम ऑल आउट द अदर्स जिम लीडर्स, वेल डन मिस्टर स्मिथ, लेट्स सी व्हाट यू गॉट। आई ऑलवेज न्यू दैट टू अर्न माय प्लेस बाय जियोवानी साइड आई हैड टू कीप माय पोकेमोन इन पीक कंडीशन एंड टू शो नो मर्सी टू एनीवन, यू आर नो एक्सपेक्टेशंस। वैसे इसके पास ग्राउंड टाइप पोकेमोन है? अरे हाँ इसके पास तो आरबॉक रहते हैं, ग्राउंड टाइप नहीं रहते। वैसे मेरे पास मस्ट शॉट है, ग्राउंड टाइप मूव है, तो इससे ही मारते हैं। इसके बाद मैं अपना शायद बदल लूँ पोकेमोन। अरे यार मस्ट शॉट मार ही रहा हूँ, इसने ये क्या कर रहा है? ओके नाइस, और क्या आ रहा है? हिप्नो, हिप्नो साइकिक टाइप है, इस पर फायर डॉग को यूज़ करते हैं। और क्रंच, लेट्स गो क्रंच। एंड वाइल्ड प्लूम आ रहा है, वाइल्ड प्लूम के लिए भी यही सही है। ऐसे इसने वाइल्ड प्लूम क्यों निकाला फायर डॉग के सामने? मग आ रहा है, मग के लिए राजा बाबू आ जाओ। एंड लेट्स गो अर्थ पावर, कुछ नहीं हुआ। एक और अर्थ पावर वंस मोर। एंड मर्करो आ रहा है, अरे मर्करो जोटो का पोकेमोन, मैं तो इसको ही चुराऊंगा मर्करो, क्योंकि क्या पता अगर आगे दिखे ना दिखे मर्करो, इसे चुरा लूँ। ओके स्टील करेंगे मर्करो। ओके मर्करो चुरा लिए, निकनेम तो नहीं देना। आई शुड सीन डैट कमिंग, वी आर ट्रूली डिसेंडेड इन टू स्टीलिंग फ्राम वन अनदर, वेल इफ आई नीडेड अ साइन टू टेल मी इट वॉज टाइम टू मूव ऑन यू गिवन इट टू मी गबर, आई मस्ट गो फॉलो जियोवानीज एग्जाम्पल, फिनिश द वर्क ही स्टार्टेड टू द एंड बियॉन्ड। ओ ये मतलब अब चली गई, अब ये जिम लीडर नहीं है बेसिकली। सो या अब हम भी चलते हैं, क्या ही करना, हमें इधर काम नहीं है। पोकेमोन लीग चले क्या? सोच रहा हूँ ना मैं विक्ट्री रोड पार कर लूँ, वैसे विक्ट्री रोड पार करना बच्चों का खेल नहीं है, थोड़ा मुश्किल है, वीडियो ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, पर कोई ना एक बार ट्राई करते हैं विक्ट्री रोड, थोड़ा सा तो कंप्लीट करते हैं, क्योंकि वो स्टार्टिंग में बैज चेक करेगा, तो ठीक है देखते हैं। वैसे इसने टीएम दिया था क्या? मैंने ध्यान नहीं दिया एक्चुअली, पता नहीं दी है कि नहीं, वो बाद में मैं देख लूँगा, फ़िलहाल तो चलो आगे चलते हैं और देखते हैं क्या मिलेगा। वैसे पोकेमोन कौन सा आ गया मेरे? आई थिंक मैं मिसिंग नो निकाल रहा हूँ, मतलब बाहर ले लेता हूँ ना मिसिंग नो को, क्योंकि आई डोंट थिंक अभी फ्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मुझे पोकेमोन लीग ही जाना है, और अगर मुझे कहीं वापस आना होगा तो पीसी से मैं निकाल लूँगा फिरो को वापस। और मिसिंग नो ये रहा इंसान का चेहरा है, चलो आ जाओ। ओके और इसको भी रखो, बाय बाय फिरो। या फिरो पर तब भी मुझे याद रहेगा क्योंकि इसने स्टार्टिंग से हमारा काफ़ी साथ दिया है, तो फिरो थैंक यू बॉयस, पर जाने दे अब मुझे। चलते हैं हम लोग पोकेमोन लीग में, और आई थिंक इधर ब्लू मिल सकता है क्योंकि गेम में तो मिला था पोकेमोन फायर रेड में ओरिजिनल वाले, पर इसमें नहीं मिला, ठीक है वेल। अरे भाई पोकेमोन थी ऐसी की तैसी भाई, क्या आ रहे यार दो तीन लेवल के, वो 21 लेवल है एक्चुअली, पर ठीक है क्यों आ रहे हो भाई तुम, मुझे जाने दो।
ओके आराम से जाएंगे। और पोकेमोन बदल लेता हूँ सोच रहा हूँ, राइचू रखते हैं, ऐसे ही सोच रहा हूँ। नहीं यार पर विक्टोरी रोड में तो रॉक टाइप पोकेमोन आएंगे शायद, ग्राउंड टाइप, पर कोई ना हम चलते हैं। आउट ऑफ माई वे इफ़ यू नो वॉट्स गुड और फॉर यू। अरे ये लेंस कहाँ से आ गया? जियोवानी, नो यू आर जस्ट वन ऑफ हिज मोर वेल ड्रेस्ड गूम्स, अरंट यू ऑफ टू लूट सम एग्जॉटिक पोकेमोन फ्रॉम ट्रैवलिंग विक्टोरी रोड ट्रेनर्स। आई से डैट्स रियल मेनेंस टू सेफ्टी फॉर लीग चैलेंजर्स एंड मोस्ट डिसाइडली नॉट माई प्रॉब्लम एनी मोर। वेल हैवेंट यू हर्ड बम, हाँ, देन आई स्पेयर यू द एफर्ट ऑफ बल्गरिंग द न्यू स्टैंड टुमोरो। इट्स ओवर, आई एम नो लॉन्गर चैम्पियन। ओ तो मतलब रेड ने हरा दिया। अ डिकेड ऑफ अनचैलेंज्ड रीजन गॉन इन एन इंस्टेंट बाय सम गॉड। आई कांट इवन से इट, व्हाट विल माय ग्रैंडफादर थिंक, सम लिटिल किड फ्रॉम सम मिडल ऑफ नोवेयर टाउन। इट्स पॉजिटिवली अब्सर्ड। हे एंड व्हाट आर यू सो सम अबाउट इट फॉर? डोंट यू गो थिंकिंग दिस इज सम पॉलिटिकल विक्ट्री फॉर अस, यू सिली बंच ऑफ एनरेस्टिक एंटाइटल डिलोशन। क्या क्या बोल रहा है? दिस चेंज नथिंग, आई थॉट नथिंग कुड एग्रेव मी एनी फर्दर टूडे, बट यू आर डन इन पंक। आई डोंट केयर इफ द रीजन सून ब्रेक्स अपार्ट, नाउ दिस फार्म बॉय इज चैम्पियन, आई शो यू हाउ इज द क्रिमिनल। अरे भाई लैंस तो बैटल करेगा यार, क्या कर रहा है भाई? ओ चलो अच्छा पकवान आ गए, रेड ने हरा दिया, जो कि ऑब्वियस ही बात है क्योंकि वो बहुत ताकतवर है। और एरोडैक्टाइल आ रहा है, इसको भी हरा देंगे यार थंडरबोल्ट से। ड्रैगन आ रहा है, यार आइस टाइप पोकेमोन नहीं है हमारे पास। चलो मिसिंग नो एक बार ट्राई करते हैं, इसकी सुपर ग्लिच। वो फ्रीज हो गया, नाइस नाइस। अरे यार फुल रिस्टोर कर दिया गधे ने। वैसे मुझे आई थिंक पोकेमोन को ट्रेनिंग देनी पड़ेगी क्योंकि अब आ गए हैं ज़्यादा लेवल के पोकेमोन। तुम लोग बताना कितने लेवल तक करना चाहिए मुझे, और मैं स्पाकी का यूज़ करूँगा, थंडरबोल्ट। अरे भाई ओ डैम भाई, कितना गंदा डैमेज दिया है। रेजर लीव कुछ भी नहीं हो रहा, रिकॉर्ड रेजर लीव। आर यू सीरियस? फील क्यों किया इसने फुल रिस्टोर? पॉइजन पाउडर करूँगा मैं। ओके नाइस, अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसे ही पॉइजन होता रहेगा मेरे लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। और मिसिंग नो तू ही आ जा बाहर, ये तो पॉइजन से ही मर गया। ड्रैगनाइट आ रहा है, ड्रैगनाइट एक फ्लाइंग टाइप है तो साइकिक अटैक काम करेगा, जो कि ज़्यादा काम नहीं किया है वैसे। अरे भाई वापस ही निकाल दिया, ट्रैश यूज़ करेंगे। ओ डैम कितना डैमेज देता है भाई, मुझे ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, ये बहुत डैमेज दे रहा है, पर ये पॉइजन से ही मर गया। डूड लैंस तेरे को क्या पीटा है मैंने, गंदा वाला पीट दिया मैंने तेरे को। हालांकि तेरे पकवान काफ़ी अच्छे थे, और सोच रहा हूँ तेरा ड्रैगनाइट ही चुरा लूँ भाई, क्यों इसका मेन पकवान ही मैंने चुरा लिया। अब कैसा लगेगा, आ गया ना स्वाद? ऐ निक नेम नहीं देना यार, दे सकते थे एक्चुअली। माई ड्रैगनाइट, हाउ कुड दिस हैपन, आई नीड टू हैव इट रिप्लेस्ड, अनबिलीवेबल पंक लाइक यू। आई नीड टू फाइंड माई कंपोजर अगेन, आई एम लेटिंग माई इमोशंस रूइन माई बैटल स्ट्रैटेजी। आई हैव यू नो मिस्टर माफी ओसो, आई कुडंट टेक यू ऑल आउट लॉन्ग अगो, आई न्यू अबाउट योर लिटिल गेम कॉर्नर हाइड आउट, इट्स नॉट एज इफ माई न्यू एंटी क्राइम लॉज डिड एनी थिंग टू स्टॉप यू, आई डिडंट मीन देम टू, आई वॉन्टेड टू वेट फॉर यू टू कॉज अ रियल पब्लिक स्पेक्टेकल, अरेस्ट एंड पनिश यू एज हेडलाइन न्यूज टू मेक अ स्टेटमेंट टू प्लीज द क्राउड रिस्टोर देयर फेथ इन मी एंड टू शो माई डाउटर्स जस्ट हाउ मैड ऑल गैंग्स लाइक योर ऑल देयर स्टिल लॉन्ग फॉर रिटर्निंग टू प्री वॉर कैंटो। कौशल कोऑपरेशन इन्वेंशन
वॉज द परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। आई वॉज गोइंग टू रश इन एट द लास्ट मिनट, गिव योर बॉस अ बीटिंग एंड सेव द डे। बट बाय द टाइम आई अराइव्ड, इट सीम समवन हैड ऑलरेडी बीटन इट टू इट। हाँ, रेड नहीं हराया। वेल, व्हाट्स डन इज डन। आई एम नॉट फिनिश्ड विथ कैंटो येट। आई स्टिल हैव अ पोजिशन टू डिफेंड। आई एम अ मेम्बर ऑफ द एलीट फोर नाउ। यू सी न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो एक्सक्यूज मी व्हाइल आई गो चेंज द न्यू चैंपियंस डीएपर। ओके, ये तो चला गया। वैसे उड़ के किससे गया? मैंने तो इसका चुरा लिया ना, ड्रैगनाइट। नहीं, उसके पास एरोडैक्टाइल भी तो था। ओके गाइस, शायद नेक्स्ट एपिसोड में मज़ा आएगा काफ़ी। आई थिंक हम लोग एलीट फोर से लड़ेंगे, काफ़ी मज़ा आएगा यार। तो वीडियो को लाइक कर दो यार, 12 लाइक्स का टारगेट है। और सब्सक्राइब करो, हमें 1K करना है। बाकी मिलेंगे ऐसे कमाल की अच्छी से वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।